याद कर रहे थे सब YouTube में आपको। कौन कौन कर रहे थे, कहाँ कहाँ से कर रहे थे? मेरे को आप दोनों के साथ जाना है। मैं तो चल लूंगी, है ना? तो ठीक है फिर, मैं और मम्मी जाएंगे। तो शुगर का एक पाउडर है जिसका नाम है विष्णु शुगर नाशक पाउडर। आज बड़े दिन बाद पुलाव बनाया, वो भी बड़ी वाला। मेरे को बड़ी के साथ पुलाव खाने में बड़ा मजा आता है, बहुत सारा प्रोटीन रहता है इसमें। तो मैं भी अपने रूम पे था, तभी अम्मी ने मेरे को काम दिया। तो काम करना भी है वो। आटा चावल लेके आजा फटाफट दुकान से, क्योंकि घर में है नहीं अभी, सारा का सारा अनाज खा लिया हमने। एंड टाइम पे आता था आपको ऐसे करके करने वाले थे। अच्छा मैं ये बोलने आया था, अभी इतने साल हो गए, मतलब इतने साल मतलब टाइम हो गया, कोई मूवी नहीं देखी हॉल में जाके। तो चलो हॉल में मूवी लग रखी है, नहीं वो देखने चलते हैं आज भाई। नहीं रात सोना है ना, कल चलेंगे ना, कल कल ना, कल ना भाई, नींद पूरी नहीं हो रखी है भाई, कल कितनी देर सोए थे? नहीं कल प्लीज, मैं भी बोल रही जब करें, कल सैटरडे है ना। मेरी बात कोई नहीं मानता, 9:30 ना 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 ना। वैसे भी आप लोग 12 बजे सोते हो है ना, तो वहां जैसे ही आएंगे सो जाएंगे फिर। और अगर आपको ज्यादा नींद आएगी ना मूवी देखते हुए, तो वहीं सो जाना, मतलब एसी भी चलेगा मस्त। चलो फिलहाल मैं सामान लेके आता हूँ, और अभी पापा आएंगे ना तो पापा से बोलूंगा। पापा का भी एक ही रिप्लाई होगा सिर्फ, मम्मी से पूछ, मम्मी जो बोलेगी वो ही करेंगे। है पापा तो सीधा बोलेगा मैं जा ही नहीं रहा हूँ, देखते हैं मनाते हैं, पर पहले सामान लेके आता हूँ। ये लो ले आया आपका सामान, आपको भूखा नहीं रहेगा हमारे घर में, सबको मिलेगा खाना। हेलो दादी प्रणाम। दिवाली पंडित कराना भूल गया, ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक ही हूँ, घूम के आ रहा 5 दिन में। हाँ तुंगनाथ गया था मैं, तुंगनाथ मंदिर। किधर है वो? वो केदारनाथ से पहले पड़ता है। अच्छा ऊपर है? हाँ ऊपर उस साइड ही है, केदारनाथ साइड। और भी था कोई? हाँ मेरे साथ के ही था दोस्त, और बाकी 2-3 लड़के और थे। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। दवाई खत्म हो गई बची है आपकी शुगर वाली? मंगानी है तो बता दो। ठीक है ठीक है ठीक है। याद कर रहे थे सब YouTube में आपको? कौन कर रहे थे, कहाँ कहाँ से कर रहे थे? ओ बहुत अलग अलग जगह से कर रहे थे, दिल्ली से भी कर रहे थे, देहरादून से भी कर रहे थे। हाँ सब बोल रहे दादी को लाओ, दादी को लाओ। मैंने बोला दादी तो अभी गांव ही रहेगी, कहीं पसंद नहीं आ रहा अपन दादी को। हाँ वही तो, दादी को गांव में ही पसंद आ रहा। गिफ्ट ना ना अभी तो नहीं भेज रहे, आप आओगे मेरे पास तभी तो भेजेंगे। ना वैसे क्यों भेजेंगे, आप जब मेरे पास हो ही नहीं तो फिर कोई भेज नहीं रहा। अच्छा ठीक है, बाय, टेक केयर। हाँ मैंने दिखा दिया आपके बदले का अंगूठा, मैंने दिखा दिया। आवाज कट रही है आपकी आज बहुत ज्यादा, ठंडा ज्यादा हो रहा है वहाँ पे। देख रहा था यहाँ भी ठंडा हो गया स्टार्टअप कोटद्वार में भी। चलो फिर करता हूँ कॉल बाद में। अच्छा ओके बाय। ओके बाय टेक केयर। तो तुंगनाथ जाने से पहले एक बार दादी को कॉल किया था, उसके बाद मैं दिवाली पे कॉल करना भूल गया क्योंकि इधर उधर लगे हुए थे। मैं सोच रहा था कब करूंगा, अब करूंगा, अब करूंगा, आप लोगों से ही बात करवाऊंगा, पर एकदम टाइम ही नहीं लगा। मम्मी ने एक बार याद भी दिलाया था, फिर सोचा अभी करता हूं और भूल गया। अभी चल रहा है मैच इंडिया का, और इंडिया को चाहिए लगभग 2.5 ओवर में 20 रन, जो कि मुझे लग रहा है बना ही लेगी। अपना नेट रन रेट ठीक करने के लिए 2.5 ओवर में इनको 20 रन और चाहिए होंगे, तभी अफगानिस्तान से ऊपर आएंगे। तो अब सिर्फ 5 रन चाहिए, और 9 बॉलों पे 5 रन चाहिए, तो अब तो आराम से जीत जाएगी इंडिया। ओहो नहीं यार, ये गलत हो गया, तो सब बहुत ज्यादा गलत हो गया। ये मारा चौका हो गया। चलो भैया रन रेट आ चुका है ऊपर, 6.3 ओवर में रन रेट, और धोनी को भी देख लिया। अब न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के एक मैच का वेट है। तो बहुत ज्यादा बोलने के बाद भी पापा भी नहीं माने पिक्चर देखने के लिए, तो कल तो चलना है ना पिक्चर देखने। अरे मैं तो नहीं आऊंगा भैया, मैं अपना आराम करूंगा। तो वहाँ कुछ करना थोड़ी है, वहाँ भी तो लेट नहीं है। लेट नहीं है, मेरे को आप दोनों के साथ जाना है। मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो चल लूंगी, है ना? तो ठीक है फिर, मैं और मम्मी जाएंगे कल। तो कल हो गया मूवी डे डिसाइड, नहीं सॉरी मूवी इवनिंग, शाम को जाएंगे करीबन 8-9 बजे जाएंगे। और आज और तो कितने बजे जाना है फिर? अरे 6 बजे नहीं चलता क्या? 6 बजे भी है, 6 बजे भी है। ओला में जाएंगे। चलो ठीक है, 8 खाना खाएंगे। ठीक है ठीक है। और आज मैं इसलिए भी नहीं गया ना क्योंकि आज मैच भी था, तो फिर मुझे लेट पता चला कि मैच है, तो फिर मैंने छोड़ो। और अच्छा ही हो नहीं गए, इतना बढ़िया इंटरेस्टिंग मैच था।
तो कोई निकिता नेगी है, सुयश की व्यूअर है, तो उसने मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज किया कि हेलो अंकल दिखा दो मैसेज, हेलो अंकल नमस्ते, और बहुत रिक्वेस्ट की है कि मेरा 6 नवंबर को बर्थडे है और मेरे को उस दिन हैप्पी बर्थडे बोल देना। तो निकिता आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, आप खूब पढ़ो लिखो और नाम कमाओ और हमारी वीडियो जैसे दिखते रहो ऐसे सपोर्ट बनाए रखो। और अच्छी बात है कल 6 नवंबर को ये वीडियो रिलीज होगी। ओह माय गॉड रिलीज होगी, पिक्चर रिलीज हो रही होगी। हाँ तो आपका तो तेरे दिमाग में वही है ना मूवी मूवी, तो ये ब्लॉग भी सही टाइम पे आएगा। तो मैं अभी सो गया था और मेरे को ऐसे सपना आ रहा था कि मेरे से कोई दादी की जो शुगर वाली दवाई है उसके बारे में पूछ रहा है, मतलब वो मतलब चाह रहे हैं कि मैं उनको बताऊं कि कौन सी दवाई है वो। और सच बात भी है क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे मेरे से, बहुत पहले की बात है, कम से कम 7-8 लोगों ने मेरे से पूछा था कि वो कौन सी दवाई है, मेरे को बताओ नंबर बताओ, हम भी ऑर्डर करेंगे, क्योंकि वो दवाई काफी अच्छी है शुगर वाली, अगर आप वो पाउडर खाओगे तो आपको कोई और दवाई खाने की जरूरत नहीं है फिर। और वीडियो के एंड में पूरी की पूरी डिटेल बता दूंगा कि कैसे आप ऑर्डर कर सकते हो, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं क्योंकि अभी एकदम से सपने में आया था। चलो मैं फिर से सो जाता हूं, ठीक है बाय। तो आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आज ब्रेकफास्ट में बनाया है कद्दू पूरी और हलवा। तो आज भैया दूज के उपलक्ष्य में ये सब चीजें बनाई गई हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया दूज की। भैया दूज की शुभकामनाएं सबको। और मेरे भी जितने भी बहन हैं, एक आधा मेरी कुछ बहनें हैं और बाकी कौन है, नहीं मेरी ज्यादा बहनें नहीं है ना, तो उन सभी को हैप्पी भैया दूज। और आपको मैं गिफ्ट है आपके लिए ब्लेसिंग्स जो मेरे से छोटी है उनके लिए और जो मेरे से बड़ी है उनको नमस्ते मुझे ब्लेसिंग्स दे, ऐसा आशीर्वाद होगी गिफ्ट देने लायक बनेगी। बिल्कुल सही कहा। तो चलो अभी मैं फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे मार्केट जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, और जब वो काम पूरा हो जाएगा तभी बताऊंगा मैं आपको क्या काम था वो, मतलब तभी व्लॉग में लाऊंगा मैं उस काम को। तो अभी एक व्यूअर आए थे हमारे घर में, ये गिफ्ट देके गया मैं दिवाली का, पर उन्होंने बोला वीडियो नहीं बनानी है तो इसलिए मैं उनको व्लॉग में लाया, पर तभी भी रसगुल्लों के लिए थैंक यू सो मच। तो पापा भी अभी आ चुके हैं। तो जो मैंने कल रात बोला था आपको कि मैं वो दवाई का नाम बताऊंगा तो पापा ही बता देंगे। तो शुगर का एक पाउडर है जिसका नाम है विष्णु शुगर नाशक पाउडर, और ये ऑनलाइन मंगाया जाता है, मतलब ये वैसे नहीं करते कि बाद में पैसे दे दो, पहले पेमेंट करो, चाहे प्रीपेड गूगल पे या जो भी ऑनलाइन पेमेंट, और व्हाट्सएप पे मतलब वो एड्रेस वड्रेस भेजना है बस वो आपको भेज देंगे, मतलब व्हाट्सएप में सारी प्रोसीजर फॉलो करनी है आपको, वो मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे ऑर्डर जब आप उनको पेमेंट की डिटेल भेजोगे। और हमने तो कम से कम 10-12 बार मंगा रखा वहाँ से। हाँ मतलब दादी के लिए हम मंगाते रहते हैं, कुछ व्यूअर्स ने मतलब मंगाया है और उनको फायदा हुआ है, और मतलब मेरी माँ को भी फायदा हो ही रहा है, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, तो पहले तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती थी, मतलब बिल्कुल सही तो नहीं है लेकिन मतलब 250-300 ऐसे ही, मतलब इससे कम रहता है, 300-250 पहले तो 400-500 रहता था, तो अब 250 के लगभग रहता है, मतलब प्लस माइनस 15-20 ये फिर भी ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर डाल दूंगा, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो और फिर उनसे बात कर लेना। तो इसलिए मैं सोच रहा था यार इन्फॉर्मेशन मैं दूं आपको, क्योंकि आजकल जो शुगर पेशेंट्स है उनकी संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, तो अगर कोई आपके रिलेटिव में जो शुगर पेशेंट है या कोई आपका दोस्त है तो उसको ये वाली वीडियो सेंड कर देना और फिर उनको ये प्रोसीजर बता देना कि ऐसे ऐसे आप ऑर्डर कर सकते हो। तो अभी फिलहाल इस व्लॉग को एंड करते हैं, तो थैंक यू सो मच अगर आप व्लॉग में बने हुए थे अभी तक। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताने ही भूल गया, लाइक कर देना प्लीज वीडियो को, नीचे एक लाल बटन दिया है प्लीज उसे भी दबा देना, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बड़ा अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। और आप भी बोल दो भैया दूज की सबको, सब भाइयों की बहनों की, आप अपने भाइयों को बोलो ना, आपको दूसरों को भाई बहनों से क्या लेना देना।